गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, त्योहार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार क्वेश्चन के लंबी सीरीज के माध्यम से बोर किया जा रहा है, ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स की संख्या और सब्सक्राइबर की संख्या को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हैं। हालांकि शिक्षा लगातार प्राप्त करना आसान बात नहीं है। जो कैंडिडेट सीरियस हैं, दे मस्ट वॉच दिस वीडियो, अंतिम तक देखें, यही रिक्वेस्ट है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मैं आज प्रश्नों की एक लंबी सीरीज प्रस्तुत करूंगा, जिसमें प्रश्न को पढ़कर आपको पूछूंगा कि आप इनमें से किस चीज़ को समझ रहे हैं। उसके बाद मैं अपने शब्दों में उसे व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बने रहिए इस चैनल में लगातार और अपना ज्ञान का स्तर बढ़ाते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 के बारे में, क्वालिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जिसमें शामिल है मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें क्वेश्चन है कि 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, इसमें से कौन सा शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें दिए गए जो सारे के सारे ऑप्शन है, वो सारे के सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। यस, देखिए मूल ढांचा का कंसेप्ट जो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार मैं करता हूं। भले ही मूल ढांचे का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था, फिर भी इसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल जो तत्व है उसको प्रभाषित अभी तक नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया है। संविधान में मूल ढांचे का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल है कौन कौन से, मतलब फैक्ट्स कह सकते हैं या फिर कंसेप्ट कह सकते हैं जो कि मूल ढांचे का हिस्सा है। तो सबसे पहले संविधान का सर्वोच्चता, सुप्रीमेसिटी जो है वो संविधान ही सुप्रीम है। भारतीय राजनीति का सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक स्वरूप होना, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है या पृथक्करण होता है वो संविधान का संघीय स्वरूप या चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हो, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और व्यक्ति की गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मूल अधिकार और नीति निर्धारक तत्वों के बीच जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो चाहिए, सामंजस्य हो, और समानता का सिद्धांत। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की एक सीमित शक्ति है वो, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तर्कशीलता का सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, अनुच्छेद 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट के जो शक्तियां प्रदान की गई है, सभी के सभी बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। ओके, आई थिंक बहुत सारा इसमें आपको बंडल दे दिया गया, इनमें से कौन कौन सा चीज जो है वो नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत है। तो इनमें से आप बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक अधिकार, ये सब आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है डबल जियो पार्टी यानी दोहरे दंड के विरुद्ध आंशिक संरक्षण मिलता है किस आधार पर, संवैधानिक संरक्षण के आधार पर, मूल अधिकार सीआरपीसी के तहत प्रावधान है या न्यायिक त्रिपाठी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। डबल जियो पार्टी, आपको पता होगा डबल जियो पार्टी ये मूल अधिकार है, बोलिए किस है, क्योंकि आपको पता होगा डबल जियो पार्टी के विरुद्ध आंशिक संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के सबक्लोज 2 में लिखा हुआ है, जो एक मूल अधिकार है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं एक ही चीज के लिए। आप एक खून करें या 10 खून करें, सजा तो एक ही बार होगी, इज इट राइट? नहीं, एक ही सजा के लिए या एक ही अपराध के लिए आपको दो बार सजा नहीं मिलेगा, ये है। लेकिन आपने अलग अलग अपराध किया तो अलग अलग दंड मिलेगा भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है मिनर्वा मिल्स से। मिनर्वा मिल्स जो कंसेप्ट निकल के आया था, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन कौन से वाद है यानी एक तरह से जजमेंट है जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए हैं या उसके बीच एक तरह से कंसेप्ट लाते हैं।
चंपकई दोरा राजन, ठीक है, चंपकई दोराय राजन। दूसरा है गोलकनाथ केस, तीसरा है केशवानंदन भारतीवाद, और चौथा है एडीएम जबलपुर। देखिए एडीएम जबलपुर का इसमें से कोई लेना देना नहीं है, बाकी प्रथम द्वितीय और तीसरे, जी हाँ, ये मिनरल मिल्स के अलावा और ऐसे कंसेप्ट है जो कि आपको ये डीपीएसपी और नीति निदेशक जिसको बोलते हैं और मूल अधिकार के बीच कंसेप्ट यानी एक तरह से कोऑर्डिनेशन लाने की बात करता है। चंपकम दुराय राजन वाद 1951, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष के मामले में मूल अधिकार प्रभावी होगा, मतलब मूल अधिकार ऊपर रहेगा। इसने घोषणा की कि निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के लिए सहायक के रूप में काम करेंगे। यह था चंपकम दोराय राजन बात में। उसके बाद आता है 1967 में गोलकनाथ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में जो ऊपर निर्णय दिया गया था उसको बरकरार में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, और इस मामले में इसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती, छीन नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि निदेशक तत्व के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता है। तो गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय थोड़ा सा कड़ा हो गया, अर्थात उसने मूल अधिकार को बहुत ही हाईली प्रायोरिटी दे दिया कि मूल अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया सकता है। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने निर्देश दिया कि नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता है। उसके बाद एक केस आता है जो बहुत ही भारत का सबसे बड़ा अब तक का लैंडमार्क जजमेंट कहलाता है, केशवानंदन भारतीवाद 1973। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31 सी के एक विशेष प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसलिए इसे छीना नहीं जा सकता। और फाइनली जो चौथा केस था एडीएम जबलपुर, हालांकि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ल बाद 1976, इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि अनुच्छेद 14, 21 और 22 के उल्लंघन पर न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार आपात स्थिति के दौरान निलंबित रहेंगे। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रवर समितियों के बारे में, सिलेक्शन कमिटी के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कुछ समितियों का गठन किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए किया जाता है और इसके सदस्यों में एक ही संतन के सांसद शामिल होते हैं। दूसरा है लोकसभा की कुछ समितियों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। और तीसरा ऑप्शन है संसद के सदनों को संचालन हेतु या नियमों के अनुसार, संचालन नियम के अनुसार संसदीय समितियों के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद है कि लोकसभा की कुछ समितियों के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाती है, वो गलत है। और तीसरा संसद के सदनों के संचालन के नियम के अनुसार संसदीय समितियों के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करना अनिवार्य शब्द जो दिया है वो भी गलत है, केवल और केवल इसमें प्रथम कथन सही है, अर्थात कुछ समितियों का गठन विशेष विधेयक की जांच के लिए किया जाता है और इसमें सदस्यों में एक भी सदन के संसद के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, एक ही सदस्य के। प्रवर समिति जिसको सेलेक्ट कमिटी कहते हैं, या किसी विशेष विधेयक की जांच हेतु गठित की जाती है और इसके सदस्यों में एक ही सदन के सांसद शामिल होते हैं, ठीक है, उनकी अध्यक्षता सत्तारूढ़ दल के जो सांसद करते हैं ना कि लोकसभा के अध्यक्ष। चूंकि कुछ समितियों का गठन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है इसलिए उनके रिपोर्ट बाद में भंग कर दिए जाते हैं। संसदीय समितियों के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। Okay, this is sufficient for this video. Thanks a lot for watching this video once again.